नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बारे में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले दो बार से जनता का दरबार लगा रहे हैं। इसमें यह दूसरा सोमवार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों की शिकायतों को सुन रहे हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक खगड़िया के प्रवक्ता का रहने वाला एक युवक आया और उसने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे घर मिलना था, लेकिन पिछले दो साल से वह अटका पड़ा है और उसे आखिरकार उसकी अर्जी जो है खारिज हो गई। इसके बाद उसने जो समस्या मुख्यमंत्री के सामने बताया वह सुनकर मुख्यमंत्री खुद चौंक गए और उन्होंने कहा कि आखिर ये हुआ क्या। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब उसकी पूरी एप्लीकेशन या फिर उसका पूरे आवेदन को जब पढ़ा तो उसमें पता चला कि वह व्यक्ति के पास एक लैंडलाइन फोन है, जबकि फरियादी ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास रहने के लिए एक फूस का मकान है तो हम लैंडलाइन अफोर्ड कैसे कर सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उसे जांच के आदेश दिया और कहा कि इसका काम जल्द से जल्द किया जाए। उस फरियादी ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अर्जी लगाई थी, अगर हमें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी आवास मिलता है तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द देखा जाए। सबसे पहले सर नमस्कार सर, मैं आपको सर धन्यवाद देना चाहूंगा, आप बात के पात्र हैं क्योंकि हमें यहाँ मौका मिला अपनी बात को रखने के लिए। सर ये जो है सर हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित मामला है सर। 2002 साल से लगभग सर हम जो है इसके पीछे लगे हुए, लेकिन हमको अभी तक भी है इसका लाभ हमारे पिताजी को नहीं मिला है। मैंने सर ये अनुमंडल लोक शिकायत निवारण जो बनाया वो बहुत अच्छा, उसे हमें लाभ मिला। सफीक साहब है वहाँ पे, मैंने आवेदन दर्ज किया जनवरी 2020 में, उन्होंने तुरंत वीडियो साहब को आदेश किया जिसके कारण मेरा पत्रकार सूची में नाम दर्ज कर लिया, ठीक है सर। उसके बाद लाभ नहीं मिला, आधार वेरिफिकेशन भी हो गया जब मैं मार्च 2020 को मैंने फिर आवेदन दिया सर, मुझे अभी तक लाभ नहीं मिला। तो वर्तमान में भी सर बताया जा रहा है कि सिस्टम द्वारा सर रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें लैंडलाइन फोन होने कारण 36 आदमी का रिजेक्ट कर दिया है सर। जबकि यहाँ भी उसके बाद मैंने आपके यहाँ शिकायत दर्ज किया तो बी साहब हमारे घर पे गए, फोटो खींचे, मैंने फोटो भी लगाया सर घर का, तब जाके मुझे जो है आश्वासन दिया कि ठीक है आप लाभ दिया जा रहा है, लेकिन सर मुझे अभी तक भी लाभ नहीं मिला। उसके बाद मार दिया और मेरा जो आर्थिक स्थिति इतना दयनीय, हमारे पिताजी भी आए हुए हैं सर बिल्कुल टटिया झोंपी में रह के सर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। और हाल में ही 2019 में मेरे भाई का रेलवे दुर्घटना में मृत्यु हुआ था और वो ट्यूशन पढ़ा के सर की पढ़ाई करता था और अभी इतनी आर्थिक स्थिति। शिकायत की थी? हाँ सर। क्या शिकायत? हमने सफीक साहब के पास दिए थे अनुमंडल लोक शिकायत में, ठीक है, उन्होंने वीडियो साहब को आदेश दिया इसका प्रतिनिधिता सूची में नाम दर्ज किया जाए और लाभ दिया जाए। सर प्रतिनिधिता सूची में नाम दर्ज हुआ, ठीक है, आधार वेरिफिकेशन भी हुआ, उसके बाद नहीं मिला, फिर से मैंने शिकायत की। उसके बाद जो है सर उसमें आदेश में बताया गया कि आपका जो है सिस्टम के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, कारण है कि लैंडलाइन फोन होने के कारण, जबकि स्थलीय जांच भी किया गया, मेरे घर पे सर कहीं कुछ भी नहीं है, 36 आदमी का जो रेक्ट हुआ सब ही बिल्कुल गरीब आदमी है सर, किसी को लैंडलाइन फोन ना, मेरे पास एक और भी जमीन है कहीं कुछ नहीं, झोपड़ी टटिया में सर रह रहा हूँ, तो बारिश में बहुत दिक्कत होती है, दूसरे की यहाँ जाके पढ़ाई लिखाई करके सर जीवन बनाने वाली जगह उपलब्ध जी सर घर बनाने की प्रधानमंत्री आवास जगह उपलब्ध। हाँ सर वो 2-3 जिसमें टटिया झोपड़ी है मिल जाएगा तो जगह उपलब्ध, 2-3 जितना टटिया धुर में रह रहे हैं, बाकी सर कहीं एक घर भी जमीन नहीं है सर। और हाल में ही सर मेरे भाई का जो निधन हुआ और मुझे जो है आर्थिक स्थिति दयनीय हो गया, इसीलिए सर हम मुख्यमंत्री राहत कोष से सर आर्थिक स्थिति के लिए सर हम निवेदन करते हैं सर, हमें कोई भी कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है सर, आपसे अनुरोध है कि सर मुझे इस के तहत लाभ दिया जाए सर। रेलवे में सर उन्होंने जो है मालगाड़ी होने के कारण नहीं दिया, आपदा में दिए तो वो बोला सामूहिक दुर्घटना होने के कारण जो नहीं, मेरे भाई का है सर ये अलग चीज है, ये उसके अलावा एक अतिरिक्त कुछ ले आया है, ये मेरे भाई का जो सर क्या है इसका, इस डेथ में क्या मामला है, दिया जाता है तो उसको कोई बात देख लीजिए समझ लीजिए, ये मेन चीज जल रही है। ये पहले भी इसने लोक शिकायत में दिया था, अरे कही ना कि लोक शिकायत से फैसला सर्वे में ये कहीं किसी ने लिख दिया किसके पास फोन लैंडलाइन फोन है इसके पास, किसी ने सर्वे में लिख दिया, जब भी कंप्यूटर पे जाता है तो उसको रिजेक्ट करता है, जिसको लैंडलाइन फोन है उसमें रहकर वो पात्र नहीं, वो गलत ही लैंडलाइन फोन है उसका जो गाइडलाइन है सरकार का एलिजिबिलिटी, जैसे किसी के पास ले दे मोटरसाइकिल है तो बोल रहा है कि इसको ले दो,
तो अलग वही लैंडलाइन फोन भी उसने नॉन वाले जब किसी के पास नहीं है, किसने गलत एंट्री कर दिया सर उसने, उसके चलते लैंडलाइन फोन आपका नहीं, नहीं किसी को नहीं सर, ज्योति में रह रहा है सर, इसीलिए उसमें इतना है इस पर तो जांच की दर्शन करना होगा, इनको लगेगा ग्रामीण विकास के बहुत हिम्मत जुटा के सर यहाँ तक आपके पास पहुँचे हैं सर। लास्ट में आश्वासन दिया कि आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिले। हेलो, ये आए हैं नौजवान, ये पहले से अपनाई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एप्लीकेशन थी, हम नहीं किया तो ये आदमी इसने इसके लिए शिकायत दर्ज किया, शिकायत निवारण कानून ने भी इसके पक्ष में फैसला, इसके बाद भी नहीं किया और जांच करने के लिए कह रहा है कि एकदम बिल्कुल और कुछ गलत बात करके एक एक बात इसको देख करके और तत्काल होना चाहिए इन सब चीजों के लिए, तो बना ही हुआ है, कौन लोग है जो गलत रिपोर्ट करके इस आदमी को तत्काल देख लीजिए, ये है खगड़िया जिले के परबत्ता ब्लॉक में हम भेज रहे हैं, समझ लीजिए हमारा सर राहत को से सर हम आवेदन दिया है सर, उस पर जरूर हमारे आर्थिक स्थिति के लिए सर एलिजिबिलिटी होगा तो दे, वो तो ठीक है आपका उसमें एलिजिबल होइएगा, ये इनके पिताजी है सर, मामला सेम इसी एक ही एप्लीकेशन के लिए दोनों जो गए लड़के सर उनके पिताजी काहे कि तो बात हुई क्या जाइए सर, कि हमको बोलना नहीं आता सेव एप्लीकेशन, अरे वही है एप्लीकेशन लड़का है तो कह दिया है लेके जाइए उल्टे दीजिए उसके साथ दे दीजिए कागज उसके साथ दे दीजिए वो बिल दीजिए कह दीजिए कि उनके पिता भी साथ धन्यवाद सर। कृषि से संबंधित क्या मामला मानसिक।